पुलिस का कश्मोर और शिकापुर के कच्चे में एक्शन, पांच मुखबिर बाजियाब। कश्मोर मुखी जगदेश जयदीप और डॉक्टर मुनीर नाइश बाजियाब हुए, बाकी मुखबिरों की बाजियाबी के लिए ऑपरेशन जारी। शिकारपुर में कोट शाहू के करीब खुफिया इतला पर कार्रवाई, दो भाई बाजियाब। सिंध में बदमनी की लहर, कश्मीर में अगवा की बढ़ती वारदातों के खिलाफ एहतजाज। सिंध पंजाब बलूचिस्तान बॉर्डर पर चौथे रोज भी धरना, मुखबिरों की बाजियाबी का मुतालबा। ट्रैफिक मुअत्तल, गाड़ियों की कतारें, खैरपुर सखर हैदराबाद और दीगर शहरों में भी एहतजाज जारी। निगरा हुकूमत का ऐलान सिर्फ ऐलान ही रहा, IMF रिलीफ पर राजी न हुआ, उल्टा 15 अरब के इजाफी माली बोझ की वजाहत मांग ली। बिजली बिलों में कमी का कोई ऑप्शन जेरे गौर नहीं, पावर डिवीजन के मुताबिक IMF के साथ तय सब्सिडी से बाहर नहीं जा सकते। निगरा वजीर आजम कहते हैं बिजली सार्फिन को रिलीफ फराहम करने के लिए गैर रवायती हल तलाश कर रहे हैं। अदालती हुक्म के बावजूद परवेज इलाही की गिरफ्तारी, लाहौर हाई कोर्ट का इजहार बरहमी। IG इस्लामाबाद को तौहीन अदालत का नोटिस जारी, सेशन जज अटक को आज परवेज इलाही को पेश करने की हिदायत। IG पंजाब की इंक्वायरी के लिए मोहलत की दरख्वास्त। एशिया कप में अफगानिस्तान और श्रीलंका की टीमें आज लाहौर में आमने सामने, दोनों टीमों का फोकस सुपर फोर मरहले तक रसाई पर। कज़ाफी स्टेडियम के बाहर रेंजर्स और पुलिस के हलका तैनात, दिन के वक्त हल्की बारिश मुतवक्के। और कौमी विमेन टीम ने तारीख रकम कर दी, पहली बार T20 सीरीज में जनूबी अफ्रीका को क्लीन स्वीप कर दिया। तीसरे T20 में ग्रीन शर्ट्स ने प्रोटीज को 6 रन से शिकस्त।